बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी वी एन टीवी। जो नौजवान हैं हमारे मुल्क के, वो दो तीन बड़े सीरियस चैलेंजेस हैं उनके साथ दरपेश हैं। एक चैलेंज तो ये है कि आज का जो सोशल मीडिया और ये जो है ना सारा एक तरह का जो जिसमें उनका वक्त ज़ाया होता है, फिर उनके जो ट्रेंड्स हैं, उनके जो इंटरेस्ट्स हैं, वो इस तरह के बनते रहते हैं कि वो शोबिज़ और इस तरह की चीज़ों की शशके, गाने, डांस, इन तरफ बहुत ज़्यादा रुझान है बच्चों का, और एजुकेशन की तरफ बहुत ही कम रुझान है। ये उनको ना इस चीज़ का भी एक नुकसान हो रहा है। दूसरा ये नुकसान हो रहा है कि उनकी जो ये जो उम्र है ना, जैसे कोई अर्ली एज है, आप समझ लीजिए कि लेट यानी टीन एज जो है आखिरी साल एक दो, और जो फिर ट्वेंटीज़ के जो उनके शुरू के 5 साल हैं, ये बहुत ही क्रूशल टाइम है। अच्छा, माजी में भी ये था, आज क्यों ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टाइम हो गया है, इस पर बात करते हैं और इस सूरत हाल से नौजवान कैसे निकल सकते हैं। जो ये उम्र है ना, जब 20 साल 17 17 18 19 20 21 25 तक, ये बहुत क्रूशल टाइम है। अच्छा, कभी हमारे दौर के अंदर इतना एक ये क्रूशल टाइम नहीं था, क्योंकि दो तीन वजूहात थी जो कि आज के दौर के अंदर नहीं है। माजी फिर भी निस्बतन बेहतर था। एक तो हमारी पॉपुलेशन इतनी बड़ी नहीं थी, और जो जॉब्स थी फिर अवेलेबल थी, या करियर के अंदर उनको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के फिर मौके थे। लेकिन आज जिस दौर में हम हैं, ये बहुत ही मुश्किल टाइम आ गया है। आप अगर सोच रहे हैं ना कि आपके बच्चे जॉब करेंगे और वो ज़िंदगी में आसूदगी से गुजारेंगे, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। आज दौर है कि आपके बच्चे स्टार्टअप शुरू करें, बिजनेस शुरू करें, एंटरप्रेन्योरशिप सीखें। आज एंटरप्रेन्योर्स का दौर है, उन लोगों का दौर है कि जो कोई काम शुरू करके दो चार लोगों को अपने साथ जॉब दे सकें। उनका सर्वाइवल है, उनकी ये दुनिया है, बाकियों की दुनिया नहीं है। बाकियों के लिए बहुत टाइम ज़ाया, और इस सारे चैलेंज के अंदर जो बच्चे ये इब्तदाई टाइम, और कुछ और उनमें ज़्यादातर तो वालदैन ये समझते हैं कि हम भी ऐसे ही पल बढ़ गए थे और हमें भी कोई ना कोई काम मिल गया था। वो ये नहीं समझ रहे कि इतना कंपटीशन आज जैसे 22 करोड़ आवाम है, जब मैं था इस उम्र में तो 14 करोड़ आवाम थी, आज 22 करोड़ है। यानी आज से 25-30 साल पहले के मुकाबले में आप देखिए कि कितना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई है, 10 करोड़ तकरीबन आप कह सकते हैं। अब ये 10 करोड़ लोग और आ गए हैं, और इनका जो कंपटीशन है वो और बढ़ गया है। जॉब्स रीजनेबली मतलब कम ही हो रही हैं, बढ़ नहीं रही, आप समझ लीजिए। जो कि ऑनेस्टली स्पीकिंग, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, गवर्नमेंट जॉब है नहीं, वो भी कॉन्ट्रैक्ट पे लेना चाहते हैं। प्राइवेट शोबे के अंदर कंपेटिटिव इन्वायरमेंट होता है, और जिन बच्चों का टाइम ये गाने शुगल मेलों के अंदर गुजर जाता है ना, वो फिर कोई बहुत अच्छा नहीं कर सकते आने वाली फ्यूचरिस्टिक लाइफ के अंदर। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि वो जो हैं, वो अपने जो ये जो आने वाले जो चैलेंजेस हैं ज़िंदगी के अंदर, उनको वो फिर उसको कैसे सेटल करें, कैसे उससे निपटें, या उसका इंतज़ाम करें, कैसे करें, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन एक सहूलत भी यही है कि पहले हमें सिर्फ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में या ट्यूशन में पढ़ सकते थे, आज हम यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। आज हम सीखने के लिए हर बहुत बड़े प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, हर कोई सिखा रहा है, और अच्छे लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमें सीखने में सहूलत है। लेकिन ये सीखना जो है ना, या प्रोडक्टिव होना, या पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करना, ये लॉट डिपेंड ऑन योर कंपनी, किस जगह आप रहते हैं, कौन से लोगों के साथ आप जो है ना उनके दरमियान हैं, यानी आपके दाएं बाएं कौन लोग हैं, ये इस पे बड़ा डिपेंड करता है वो माहौल। अगर वो एनवायरनमेंट आपको नहीं है, तो फिर आप इतना ज़्यादा कुछ सीख नहीं सकते, क्योंकि ये सीखना जो है ना, ये सारा प्रैक्टिकल है, थ्रेटिकल नहीं है, थ्योरी नहीं है कि आप YouTube पर बैठ के सीखते रहेंगे और वो नहीं, वो आप कामयाब हो जाएंगे, नहीं, आपको प्रैक्टिकल होना होगा। और प्रैक्टिकल मौके जहाँ पे हैं कुछ भी करने के, वही कामयाब होंगे, वही बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे, उन्हीं का मुस्तकबिल होगा, उन्हीं का ये दौर है, आने वाला दौर जो है।
तो आने वाला दौर तो और भी, 2030 में तो दुनिया ही बदल जाएगी, आज के 8 साल बाद दुनिया कुछ और ही होगी। यानी आप जो कुछ तसव्वुर कर सकते हैं वो हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि हर 2 साल के बाद टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच रही है, 1.5 साल के बाद पूरा नॉलेज डबल हो रहा है जो इस वक्त एग्जिस्ट करता है। तो आप सोचिए कि कहाँ से कहाँ होगी दुनिया। तो जो लोग पुराने तरीके से जी रहे हैं, वक्त ज़ाया उनका हो रहा है, उनके वालदैन को भी इसका एहसास नहीं है क्योंकि वो खुद इतनी डेप्थ चीज़ों को जानते ही नहीं है, वो बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं अपना, और वो तेज़ी से गुर्बत की तरफ जाएंगे ये लोग जो ये नहीं समझ रहे ना, जो ये इस टाइम की सेंसिटिविटी को नहीं समझ रहे। उनका जो फाइनेंशियल फ्यूचर है वो बड़ा ख़तरे में है, क्योंकि आज ही टाइम है कि वो उस चीज़ को आज फिक्स करें, उस चीज़ के बारे में आज एम्फसाइज करें, उस चीज़ आने वाले टाइम के वाले से आज तैयारी करें, प्लानिंग करें, प्रिपरेशन करें, अपने आप को इक्विप करें विद टेक्नोलॉजी, विद अदर ऑल यू नो जो रिक्वायरमेंट आज की दौर की है उसके मुताबिक अपने आप को करें, अपने रुझान को उन पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ ले जाएं। और ये जो डोल्ड मक्के शुगल मेले ये हैं, ये बहुत महंगे पड़ेंगे, क्योंकि अब हो ही रहा है ना कि जिन लोगों के आप गाने सुन रहे हैं, जिन लोगों की चीज़ें सुन रहे हैं, उनके पैसे बन रहे हैं, और आप अपना कीमती वक्त ज़ाया कर रहे हैं और अपना जो अच्छा रुझान है उसको मनफी रुझान की तरफ लेके जा रहे हैं। मैं नहीं कहता गाने ना सुने, लेकिन अपना मकसद जो है उसको ज़रा डिफाइन करें प्रॉपरली, उसके ऊपर फोकस करें प्रॉपरली और उस मकसद की तरफ आगे बढ़ें। रोज़ आप जो है बेहतर से बेहतरीन होने चाहिए, ये आज़म होना चाहिए, और रोज़ नए जज्बे के साथ आपको वो अपना जो काम है उस पर तरफ आना चाहिए, ताकि आप उसके अंदर इनोवेशन लेके आए, आप ग्रेडेशन करें उस चीज़ की। और अगर आप नहीं कर रहे होंगे अगेन आप पीछे रह जाएंगे और आपको पता ही नहीं होगा, क्योंकि आज बड़ी बड़ी मिसालें दुनिया के अंदर हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां और बड़े बड़े एस्टेब्लिश लोग जो वेल ऑफ थे वो आज जो हैं वो औने पौने हो गए हैं और वो डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, और वो लोग के जो सही डायरेक्शन के अंदर थे वो यानी मल्टी मिलीनियर्स बिलीनियर्स और सुपर बिलीनियर आप समझ लो हो रहे हैं, जिनमें टॉप ऑफ द लाइन जो मिसाल है वो इलान मस्क की है, कि जिन्होंने कम वक्त के अंदर दुनिया को हैरान किया है, और उनको उनकी ज़िंदगी से हमें सीखना चाहिए। आज के दौर के अंदर एक इंसान जी रहा है कि जिसने दुनिया के सारी चीज़ों को ही बदल के रख दिया है, दुनिया के कॉन्सेप्ट ऑल टुगेदर बदल दिए हैं, और आप अभी वो मार्स के ऊपर जो है ना वो कॉलोनाइजेशन करने जा रहे हैं, यानी वहाँ लोगों को बसाएंगे जो मार्स है। तो बहरहाल तो ये हमें आज सोचने की ज़रूरत है कि हम आने वाले टाइम की किस तरह प्रिपरेशन कर रहे हैं। प्रॉपर्टी वी एन टी वी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।